अक्षय कुमार की क्रैक एक बार फिर से टाल दी गई है। माना जा रहा है कि इस बार मूवी कब तक के लिए टाली गई है पता नहीं, क्योंकि नीरज पांडे अपनी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी वाली मूवी में जुट गए हैं। अक्षय के पास प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है। लेकिन मूवी के डिब्बा बंद होने की खबरों पर नीरज पांडे ने मिट्टी डाल दी। उन्होंने कहा कि मूवी इस नवंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा, लेकिन मूवी पर काम जारी रहेगा। वहीं क्रैक को लेकर कोई भी अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है कि मूवी अच्छी है या बुरी। मूवी की स्क्रिप्ट से फिलहाल कोई खुश नहीं है, इसलिए भले ही अक्षय कुमार ने जल्दबाजी में पोस्टर रिलीज कर दिया लेकिन मूवी फिलहाल बंद हो चुकी है। अक्षय कुमार की मूवी क्रैक फॉलिंग डाउन का भारतीय संस्करण मानी जा रही है। मूवी एक आपराधिक की घटना है जो कि सिस्टम से इतना चिढ़ जाता है कि अपराध की दुनिया में कदम रखता है। यानी कि अक्षय कुमार एक और सोशल ड्रामा, इस बार थोड़े से साइकोलॉजिकल थ्रिलर इफेक्ट के साथ। हो सकता है कि मूवी अगले साल बनने के बाद जनवरी 2019 की ओपनिंग करे। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।